हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक मेंडेलियन डिसऑर्डर की, जिसका नाम है हीमोफीलिया, और जो ताल्लुक रखता है ब्लड से, यानी कि उसका डायरेक्टली संबंध है हमारे रक्त से। तो चलिए आज हम बात करते हैं। हम बात करते हैं किसकी? आपके सामने नाम आ रहा है हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। सबसे पहली बात कि हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज कहते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में, जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया जो थी उनमें और उनके बच्चों में इसको स्टडी किया गया था। और इसको ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। अब इसको ब्लीडर डिजीज क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्योंकि जो हीमोफीलिया है वो एक कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए कि जब भी हाथ या पैर में या किसी भी अंग में कोई भी चोट लगती है, कोई भी इंजरी हो जाती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा, यदि वो ब्लड या रक्त बहता है, या खून नॉर्मल भाषा में कहें वो बहता है, निकलता है, तो वो 5 या 6 मिनट के अंदर बहना बंद हो जाता है, ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्ड टाइम है कि ज्यादा से ज्यादा इतना बहेगा, अदरवाइज फिर क्लॉटिंग कहीं ना कहीं पर हो ही जाएगी, ठीक है। यदि इससे अधिक समय लेता है, यदि वो इससे अधिक समय लेता है बच्चों, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है, क्लॉटिंग की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो ये एक सीरियस कंडीशन है। और इस कंडीशन की वजह से अगर आपकी बॉडी से ज्यादा रक्त बह जाता है तो उसमें आपकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हीमोफीलिया जो है ये वही कंडीशन है जिसमें चोट लगने पर या कोई भी इंजरी होने पर रक्त का बहना रुकता नहीं है। क्या नहीं होता? रक्त का बहना रुकता नहीं है, यानी कि नो क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्लॉट फॉर्मेशन बेसिकली क्या है? क्लॉट फॉर्मेशन क्या है बच्चों? अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो कई सारे प्रोटीन्स आती हैं एक के बाद एक, और वो एक जाल टाइप का सा बना देती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जो एक बैरियर का काम करता है और ब्लड को बाहर जाने से, यानी कि ब्लड का बहना रोकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, ब्लड का बहना नहीं रुकता है, इसलिए हम इसको ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। समझ में आया कि ये क्या कंडीशन है, ठीक है। तो इसका जो सीधा संबंध है हीमोफीलिया का, ये जो सीधा संबंध हम बात करते हैं, ये है एक्स क्रोमो जोन से, इसलिए हम इसको एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज कहते हैं। मतलब एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज में से एक है, व्हिच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। इन दैट कंडीशन जो ब्लड क्लॉट है वो नॉर्मली फॉर्म नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। हमने ये तो बात की कि ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज है, ठीक है, और इस कारण इस केस में क्या होता है, ब्लड क्लॉट जो होता है फॉर्म नहीं हो पाता। तो अब इसका मुख्य कारण जानने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीमोफीलिया कॉज बाय अ म्यूटेशन, ध्यान में रखना, हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन वन ऑफ द जीन्स दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, हमारा जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर उपस्थित है जीन जो कि क्लॉटिंग फैक्टर में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है या एनकोड करता है। तो जब ऐसे जीन में जो कि एक्स क्रोमोसोम पर है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, म्यूटेशन हो जाता है, या हम कहें कि इनएक्टिव इनएक्टिव हो जाता है, तो उस कारण क्या होता है, वो प्रॉपर क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है, नो क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक है। और यदि क्लॉटिंग फैक्टर्स ही प्रॉपर अमाउंट में, कोई भी एक पूरा जो प्रोसेस है उसका, जैसे कि मान लो पहले ये प्रोटीन आई, इससे मिलकर ये, इस तरीके से पूरा एक कैस्केड काइंड ऑफ है, तो कोई भी अगर एक प्रोटीन मिस होती है, ये क्लॉटिंग फैक्टर मिस होता है, तो वो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन पर,
ठीक है, कहीं ना कहीं असर डालता है ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स क्रोमोजोम पर जो जीन उपस्थित है उसमें क्या हो रहा है, जो जीन उपस्थित है वो रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए। और जब उनमें से किसी एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, उनमें से किसी एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए। तो दीज क्लॉटिंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। और अगर ये प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है, तो अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर एबसेंट है, अगर प्रॉपर है तो ब्लड क्लॉटिंग होगी, लेकिन अगर एबसेंट है तो कहाँ पर डायरेक्टली असर होगा, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग पे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी एक क्लॉटिंग फैक्टर जो है बच्चों वो एबसेंट है, इसीलिए यहाँ पर क्या क्या नहीं होगा, क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर तो हमने बात की कि हीमोफीलिया क्या है और किस तरीके से इसका मूल कारण क्या है होने का। अब बात करेंगे कि ये जो है बच्चों, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि माता पिता से उनके बच्चों में जाता है। तो देखो, इसका जो मेन कारण है, ज्यादातर ये जो हीमोफीलिया है, ज्यादातर जो है ये जाता है कैरियर मदर से, ठीक है, किससे, कैरियर मदर से। अगर कंडीशन हम देखते हैं, कैरियर मदर है और नॉर्मल फादर है। अब आप कहेंगे कि ये नॉर्मल फादर और कैरियर मदर का क्या कंसेप्ट है, तो देखो बच्चों, देखो क्योंकि ये जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये देखो, फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये डबल एक्स होते हैं, यानी कि दो एक्स होते हैं, जबकि जो मेल्स होते हैं उनमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है एक एक्स और एक वाई। ये ठीक है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है मेल और फीमेल्स के केस में। तो फीमेल को हम कैरियर कहते हैं, ठीक है। अब कैरियर क्यों कहते हैं, इसको समझो, एक्स 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 वाई, नॉर्मल फादर है और नॉर्मल कैरियर मदर है। तो देखो ये एक रिसेसिव है फीमेल्स में, ठीक है। अब रिसेसिव क्यों है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि अगर फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, अगर दोनों में से किसी में म्यूटेंट है, म्यूटेंट जीन है जिसको हमने एक्स एच लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल एक्ट करेगी, ठीक है, ये नॉर्मल एक्ट करेगी। अगर इसमें कोई भी इंजरी होती भी है तो क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है उसके पास तो नॉर्मल जीन है, ठीक है, उसके पास तो नॉर्मल जीन है, तो उसमें हमें ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे। परंतु उसके पास जो दूसरा क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेंट जीन होने के कारण वो इनएक्टिव है, ठीक है, समझ में आया। जबकि यदि हम मेल्स की बात करें, देखो मेल्स की यदि हम बात करें तो मेल्स के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और यदि उसके पास गलती से ऐसा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है उसकी मदर से जिसमें म्यूटेंट जीन है, तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता, वो हीमोफिलिक ही होगा, ठीक है, वो हीमोफिलिक ही होगा। और अगर हम बात करें तो यहां पर इस कंडीशन को हम लेते हैं कि जो मदर है वो कैसी है, वो कैरियर है, और फादर जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर फीमेल में इस टाइम पे दो प्रकार के गैमिट्स बनेंगे, एक गैमिट्स ऐसे बनेंगे जिनमें नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, ठीक है, देखो नॉर्मल और यहाँ पे हीमोफिलिक, ठीक है। और मेल्स में तो हमेशा की तरह दो टाइप के गैमिट्स बनेंगे। तो अब यहां पर हम देखते हैं, ये देखो, यदि यदि ये नॉर्मल एक्स गैमिट जो है वो इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फीमेल होगा, परंतु वो नॉर्मल फीमेल होगा, ठीक है, नॉर्मल फीमेल प्रोजेनी, यहाँ पर हम प्रोजेनी अभी नहीं लिख रहे। यदि ये वाला गैमिट इसके साथ फ्यूज करता है एक्स वाई, तो ये कैसा होगा, ये होगा नॉर्मल मेल चाइल्ड, ठीक है। यदि ये वाला
गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। और यदि ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो ऑफस्प्रिंग होगा हीमोफिलिक हीमोफिलिक मेल। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर ध्यान से देखो तो नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल और हीमोफिलिक मेल। तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये जो डिजीज है ये ट्रांसफर होती है मदर टू, डायरेक्टली अगर हम देखें ट्रांसफर हो रही है मदर टू देयर सन। ठीक है, अगर आप देखो बेटी में जीन गया है लेकिन बेटी जो है वो कैसी है, वो कैरियर है। ठीक है, वो कैसी है, वो कैरियर है। ठीक है, तो बच्चों ये था हीमोफिलिक पर आज का लेक्चर, आई होप, मैं आशा करती हूँ। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था हीमोफीलिया पे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बस जाने से पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए बाय बाय।